हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल यात्रा मास्टर वे और गोवा सीरीज ट्रैवल सीरीज के एक नए ब्लॉग में। इससे पिछले एपिसोड में हमने आज सुबह, क्योंकि गोवा सीरीज में आज हमारा गोवा ट्रिप का ये थर्ड डे है और हमने कोलवा बीच का विजिट किया था जिसको हमने पिछले एपिसोड में दिखाया था, और आज हम उस दोपहर को अब हम निकल पड़े हैं एक नेक्स्ट बीच पर जो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग और नेचुरल के अलावा एक आर्टिफिशियल बीच है जो बहुत ही पॉपुलर बीच है, जो पंजिम के बिल्कुल निकट पड़ता है। बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग वहाँ होती है और अक्षय कुमार की अजय देवगन की जो सिंघम फिल्म है उसकी शूटिंग के कुछ दृश्य यहाँ फिल्माए गए थे। तो अब अपन चलेंगे डोनाकोला बीच। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करते चलें। तो आइए अब चलते हैं डोनाकोला बीच और उसके दृश्य और उस क्या है खास, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, वीडियो में देखने वाले हैं, तो बने रहिएगा ब्लॉग पे। तो दोस्तों हम पहुंच गए, कौन सा बीच है, मैं नाम भूल गया यार इस बीच का। तो मैं भी भूल गया, बीच ऐसा है पंडित के पास नहीं है क्या, जो भी है कौन अच्छा सा गोनापोला बीच है कोई, ये पणजी के पास में ही है कोई, मीरामार बीच से जस्ट पहले है। और हमने पूछा था, ट्राई किया था कौन कौन से बीच अच्छे हैं, तो यहाँ है डोनाकोला बीच है ये कोई, बहुत ही यहाँ का नेचुरल व्यू बहुत अच्छा बता रहे हैं। तो वहाँ पहुँच गए हैं, गाड़ी यहाँ से अभी आधे किलोमीटर बीच दूर है, गाड़ी हमारी बाहर ही पार्किंग करवा दी गई है, अंदर जगह नहीं है गाड़ियों की, गाड़ी हमने पीछे पार्क किए। और अभी देखिए हम चल रहे हैं बीच की तरफ। यहाँ आसपास देखिए बहुत से रेस्तरा, आपके कैफे टाइप, होटल टाइप, यहाँ भाई गोवा में आप खाने पीने का जो लुत्फ उठा सकते हो आराम से। और ये देखिए इस साइड में कोई बहुत शानदार ये पार्क है, ये पीछे बहुत ही गजब का पार्क है, अंदर कोई बड़ी सी बिल्डिंग भी दिख रही है मुझे। और ये हमारे नेहरा जी भाई, हमारे लिए कुछ लेकर के आओ भाई, खाएंगे पिएंगे और बीच में एंजॉय करेंगे। अब चलो, अरे काजू का सर में फोड़ोगे यार, यहाँ काजू खाने आए हो क्या? काजू अच्छे काजू है दोस्तों, तुम बताओ यहाँ करके काजू खा रहे हैं ये, पूछते हैं काजू क्या बात। अरे छोड़ो छोड़ो यार, चलो वहाँ चलते हैं ना, अपने को दरअसल खरीदना क्या वो खरीदते हैं। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और आगे चल के आपको ज्वाइन करते हैं, हमें कुछ यहाँ से खरीदना भी है, बीच पे रेस्ट करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज मस्ती भी करेंगे, तो ज्वाइन करता हूँ आपको थोड़ा आगे। हाँ ठीक ठीक, ठीक क्या है 50 रुपए में, क्या क्या है टिकट में, टिकट में क्या होगा कुछ, ये कहाँ तक जा सकते हैं, अंदर जाना है। माय बढ़ सी गई ये देखो विजय जी, तो फ्रेंड्स हम बीच पे पहुंच गए हैं। और इस बीच पे अंदर आपको जाने के लिए एंट्री शुल्क लगता है, एंट्री शुल्क 50 रुपये पर हेड है, अगर आपके साथ बच्चा है तो उसके 25 रुपये आपको देने पड़ेंगे। हमने टिकट ले लिया है और टिकट लेकर के अब हम अंदर आ गए हैं। ये पंजिम से बिल्कुल निकट है, लगभग 3-4 किलोमीटर की ड्राइव के पास ही, और क्योंकि ये आर्टिफिशियल बीच है, बनाया हुआ बीच है, बहुत ही पॉपुलर बीच है, बहुत ही सुंदर बीचों में से एक बता रहे हैं। तो अब हम देखिए चलते हुए आगे आ गए हैं और चारों तरफ दोनों तरफ हमारे समुद्र है, सी है। अब अपन देखते हैं और आपको भी दिखाएंगे कि इस बीच की खासियत क्या है, क्यों ये इतना पॉपुलर है और क्या क्या यहाँ पर है।
बीच के इस आर्टिफिशियल पॉइंट पे जो व्यू पॉइंट है बहुत ही शानदार, और ये बिल्कुल पणजी में है। पणजी जो गोवा की राजधानी है, बिल्कुल सिटी के अंदर है, सिटी के पणजी के बिल्कुल पास में ही, और यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर ही एक और पॉपुलर बीच है जिसका नाम है मीरावार। इसके बाद में हम वहाँ चलेंगे और वहाँ कुछ स्पेशल करने वाले हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ जो है ना, ये मीरामार, आप चारों तरफ देख सकते हैं, देखिए इधर लैंड है, चारों तरफ लैंड है, वहाँ से लेकर के बीच में एक थोड़ा सा पॉइंट है, वहाँ पुल बना हुआ है बहुत दूर से, और ये इस तरफ लैंड है पूरी, और ये एक व्यू पॉइंट बना हुआ है। यहाँ अगर आप आना चाहते हैं, पणजी में, बिल्कुल पणजी में है ये, और 50 रुपये इसके अंदर आने की जो आर्टिफिशियल व्यू पॉइंट बना रखा है, 50 रुपये पर पर्सन टिकट है, उसके बाद में आप अंदर आ सकते हैं। दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि इस व्यू पॉइंट में अंदर एंट्री के बाद में यहाँ पर ड्रिंकिंग वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है। हालांकि गोवा में क्या है, ड्रिंकिंग कहीं भी प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन यहाँ मैंने वहाँ पर गेट पे ही बता दिया गया था कि अंदर ड्रिंकिंग अलाउ नहीं है। लेकिन आप गोवा में चारों तरफ देखोगे तो लोग हाथ में ड्रिंकिंग लिए हुए घूम रहे हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। अब चलते हैं अपन ऊपर, एक व्यू पॉइंट है बहुत हाइट पे, वहाँ चलते हैं जहाँ से चारों तरफ मैं आपको समुद्र का नज़ारा दिखाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, इस समय हम डोनापोला बीच के जो आर्टिफिशियल व्यू पॉइंट बना हुआ है उसके जस्ट बिल्कुल हाइट पे, जो सबसे ऊपर पॉइंट है, वहाँ आ चुके हैं। और ये देखिए, आप मेरे पीछे व्यू देख लीजिए, सी का व्यू देख लीजिए, लैंडस्केप यहाँ से देख लीजिए, चारों तरफ जो यहाँ का व्यू है, ये बहुत ही शानदार व्यू पॉइंट यहाँ से बनता है। आप देखिए, मैं चारों तरफ दिखा दूँ, और जो व्यू पॉइंट है इसको भी देख लीजिए आप। हो सकता है इधर सन का रिफ्लेक्शन आ रहा है तो मेरी शक्ल आपको अच्छी तरह से नहीं दिखेगी, लेकिन आपको व्यू ज़रूर अच्छी तरह से दिख जाएंगे। ये देखिए, इधर बहुत लोग यहाँ आए हुए हैं, ये बिल्कुल पणजी के बीच में है, और आर्टिफिशियल बीच के अंदर, समुद्र के अंदर, बहुत अंदर तक एक आर्टिफिशियल व्यू पॉइंट बना रखा है, जिसकी हाइट भी खूब है, नीचे भी खूब एन्जॉयमेंट के साधन हैं, सारी चीज़ें हैं यहाँ पर।